13.3 गोली सतह द्वारा अपवर्तन। आपने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए अथवा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे का प्रयोग करते देखा होगा। क्या आपने कभी चश्मे के पृष्ठ को छूकर देखा है? इसका पृष्ठ समतल होता है या वक्रीय? क्या यह बीच से मोटा होता है या किनारों से? 13.3.1 लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, जिनमें से कम एक पृष्ठ वक्रीय होता है। इस प्रकार के लेंसों में प्रकाश किरणें या तो एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, अर्थात अभिसरित कॉन्वर्ज, अथवा प्रकाश किरणें फैल जाती हैं यानी कि अपसरित डाइवर्ज। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दोनों गोली पृष्ठ हों तो वह द्वि उत्तल या केवल उत्तल लेंस कहलाता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। हम केवल ऐसे लेंस की बात करेंगे जो पतले होते हैं, अर्थात उनकी मोटाई नगण्य होती है। 13.3.2 गोली लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। लेंस की प्रत्येक वक्री सतह भी किसी वक्र का भाग होती है। यदि लेंस में दो वक्री सतह हैं तो दो वक्रता केंद्र भी होंगे। इन्हें C1 व C2 से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र से लेंस के केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 कहलाती है। C1 व C2 को जोड़ने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष होती है। किसी पतले लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक बिंदु O कहलाता है। लेंस की वृत्तकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। क्या आप लेंस का मुख्य फोकस बिंदु पता लगा सकते हैं? क्रियाकलाप 2 के समान कोशिश करके देखें। सोचिए, जब हम प्रकाश की समानांतर किरणों को लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है? चित्र अ ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस F1 कहलाता है। मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र O की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है। द्वि अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है। यह बीच से पतला व किनारों से मोटा होता है। इसे अवतल लेंस भी कहते हैं। जब अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल व उत्तल लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से दोनों ओर समान दूरी पर होते हैं। फोकस तल मुख्य अक्ष के अभिलंब वह तल होता है जो फोकस बिंदु पर बनता है।